किसान की प्रोडक्ट पे, इनको पाकिस्तान का किसान को वो 2 पैसा ज्यादा मिले चलता है, लेकिन उनको भारत के किसान को 2 पैसा नहीं देना है। अगर ये गरीबों की सरकार है तो जनधन अकाउंट जिनके पास पैसा है उनको 3 से 5% 3 दे दिए 4 दीजिए, कुछ तो दीजिए, उनका ही तो पैसा है, वो आपको तो है नहीं। उज्ज्वला योजना के बारे में इतना कहते हैं तो रिफिल्स 50% से भी ज्यादा नहीं है। सो हाउ आर यू कॉलिंग इट योर फ्लैगशिप प्रोग्राम? पीपल डोंट अफोर्ड इट। ऑफ माय पार्टी टू स्पीक ऑन द बजट, आई वुड थैंक एंड कंग्रेचुलेट निर्मला जी। प्रॉबली दिस इज अ फोर्थ बजट एंड अ वुमन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आफ्टर इंदिरा गांधी जी। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैड अ वुमन लीडिंग द बजट, सो आई कॉम्प्लीमेंट हर ऑन हर अचीवमेंट। सिंस वी आर ऑल गोइंग इन टू इलेक्शन दिस ईयर, इट्स बीन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वंडरफुल रिलेशनशिप विथ हर। वी हैव मेनी डिसअग्रीमेंट्स ऑन द बजट, but she's been very kind and indulgent to all of us when she has spoken and replied to many of our questions. So I compliment Nirmala ji for all the efforts that she had done, right or wrong, but she has done something. So I compliment her for the good and a few suggestions for improvement in the larger interest of the nation. Sir, there are 4 engines to growth. One is private consumption, second is private investment, exports and government expenditure. Unfortunately, in the way this government has worked, the entire focus is on government expenditure. I will come back to that point, but I would like to highlight a few points that this government is harping about in this. एक आप कहते हैं कि आपकी 4 जातियां हैं, किसान, महिला, गरीब और युवा। तो एक एक का संक्षेप में मैं आपको पूछना चाहती हूँ कुछ सवाल कि आप कहते हैं कि ये किसानों की सरकार है, तो किसान का सबसे ज़्यादा नुकसान सर आप और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से में सीमित है, वो है प्याज का। आपके यहाँ भी प्याज की दिक्कत है, मेरे यहाँ भी है। ये पहली सरकार है इस देश के इतिहास में जिसने एक्सपोर्ट पे बैन लाया है, किसान की प्रोडक्ट पे। इनको पाकिस्तान का किसान को 2 पैसा ज़्यादा मिले चलता है, लेकिन उनको भारत के किसान को 2 पैसा नहीं देना है। और बाहर से लाएंगे प्याज, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। क्या इनका, कौन से किसान के लिए इनका प्यार उबल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। और ये फिर 10 बार हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को पूछा है, विनती की है, या आज भारती ताई नहीं है शायद, वो भी खुद गई है, लेकिन महाराष्ट्र के बाकी के कोई सांसद ने एक बार भी उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया। और महाराष्ट्र सरकार, पता नहीं आप ही की सरकार है सर, आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लगा ही आपका, और ये जो प्याज का जो किया है गड़बड़ इस सरकार ने, तो वो बोलिए कि एक्सपोर्ट खोल दे। और ये सिर्फ प्याज का भी नहीं है, अभी ताई आपकी पार्टी की बोल रही थी कि सोयाबीन की क्या दिक्कत है, अच्छा हुआ आपके घर से ही आपको मिला है गिफ्ट, तो वो भी कह रही थी कि आप सोयाबीन को अभी भाव नहीं मिल रहा है, वही दिक्कत है। दूध की, दूध का महाराष्ट्र सरकार ने अभी सरप्लस दिया है लेकिन पैसा नहीं पहुँच रहा है किसानों को। तो ये किसान विरोधी सरकार है ये मेरे। और डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स, वेयर इज़ द डेटा? ये कहते जाते हैं वी हैव डबल द इनकम ऑफ द फार्मर्स, बट व्हाट इज द डेटा टू प्रूव इट? येस, दिस इज़ वन ऑफ द जुमलेबाजी कि हाँ डबल करेंगे करेंगे, आजकल वो कहते भी नहीं है। एंड इफ़ यू आस्क दिस एंटायर डेटा विच शोज ऑफ दिस गवर्नमेंट, आई एम प्योरली गोइंग बाई डेटा विच इज़ अवेलेबल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन कमोडिटीज इफ़ यू गो बाई पैडी, इफ़ यू कंपेयर UPA एंड NDA, 10 साल में 138% वी हैव इंक्रीज द प्राइस, वाइल इन देयर 10 ईयर्स ओनली 60.5। सेम थिंग विथ उरद, तूर, वीट, चना, कॉटन, सबका है सर। आई वुड लाइक टू टेबल दिस डेटा, आई वोंट टेक द टाइम ऑफ दिस हाउस, एंड आई वुड अर्ज दिस गवर्नमेंट। महाराष्ट्र का किसान आज दिक्कत में है, कई जगह पानी भी नहीं है, तो महाराष्ट्र और देश में जहाँ जहाँ किसान आज अड़चन में है उसका ऋण माफ़ किया जाए, जैसे UPA की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कर्जा माफ़ किया था, वही बड़ा दिल मोदी जी दिखाए और इस देश के किसानों का कर्जा माफ़ करे, ये मैं इनके विनती करती हूँ, अगर ये सरकार उनको सचमुच में सोचती है उनके बारे में। दूसरा, ये गरीबों की सरकारें बोलते हैं सर, अच्छी बात है हर सरकार करती है, गवर्नेंस इज कंटिन्यूटी, कोई ऐसी सरकार नहीं इस देश में जो गरीबों के खिलाफ होती है, लेकिन इनका डेटा ऐसा कहता है द टोटल वेल्थ ऑफ द ऑफ दिस कंट्री इज इन द टॉप 1%, बाकी के सब 1% सर। कैन यू इमेजिन 40%, 40% देश की जो वेल्थ है वो 1% में है सर। तो हाउ आर दे सपोर्टिंग द वेल्थ एंड हाउ मेनी पीपल दे कीप सीइंग? एक जगह कहते हैं कि हम सब ने गरीबी हटाई है, तो फिर 80 करोड़ को जो जनता को खाना देते वो नंबर क्यों नहीं कम हो रहा है? इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। मैं पिछली बार भी यही सवाल था लेकिन मुझे किसी तो जवाब नहीं दिया सर, इसलिए मैं फिर पूछ रही हूँ,
कि अगर आप गरीबी कम कर रहे हैं तो हाउ इज दैट इम्पैक्ट नॉट शोइंग इन द नंबर्स. सो दिस इज समथिंग द गवर्नमेंट मस्ट रिप्लाई टू अस. एंड गरीबों के लिए इन्होंने जनधन योजना जो चिदंबरम साहब ने शुरू की थी, और ये गरीबों के लिए, शोषित वंचित पीड़ित के लिए बहुत अच्छी बात है. लेकिन जनधन योजना में जो अकाउंट है, 50 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स है, उसमें से 20% से ज़्यादा नॉन ऑपरेटिव है, उसमें से महिला के ज़्यादा है. फिर भी जो भी बचा हुआ पैसा है उसके ऊपर क्यों ना ये सरकार उन गरीबों का जो पैसा प्रॉफिट में दिखाती है इनकी बैंक के साथ, सारी इनकी नहीं, जो भी पब्लिक सेक्टर की बैंक से, उन गरीबों को, उन शोषित और वंचित और पीड़ितों को क्यों ना 3-5% आप उनको इंटरेस्ट दे दे. सर, इट्स अ सजेशन आई एम गिविंग यू. ये जो जनधन योजना का आप इतना बोलते हैं गरीबों के लिए, उनका जो पैसा है उसके इंटरेस्ट दे के उनको क्यों नहीं पैसा देते? बैंक प्रॉफिट दे रही है, गरीबों में बांटिए ना, बैंक को क्यों चाहिए इतना प्रॉफिट? आप सोचिए, एक सुझाव दे रही हूँ आपको. आप अगर ये गरीबों की सरकार है तो जनधन अकाउंट जिनके पास पैसा है उनको 3-5%, 3 दे दिए 4 दीजिए, कुछ तो दीजिए. उनका ही तो पैसा है, वो आपको तो है नहीं. तो आप अगर गरीब की सरकार है, प्लीज़ आप इस बारे में सोचिए, और मेरी आशा है और अपेक्षा है कि आप इस बारे में कुछ तो जवाब देंगे. उसके बाद आप गरीबों के लिए बोल रहे हैं, शोषित के लिए बोल रहे हैं. ये जो एक इशू है यूथ का, युवा पीढ़ी का, आप सर देख रहे हैं युवा का डेटा तो आप सब जानते हैं. मेरे निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दूं सर, हिंजेवाड़ी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, इनके ही सर के ही बगल में है. वहाँ 25 जूनियर डेवलपर की पोजीशंस थी, वहाँ 3000 बच्चों ने एप्लीकेशन किया है सर. उसके बाद सेंट्रल जॉब्स, 7.22 लाख गॉट जॉब्स. हाउ मेनी एप्लीकेंट्स पता है? 22 करोड़ सर, आई रिपीट दिस नंबर, 7.75, मोटा पकड़ लिए 7.5 लाख नौकरियों के लिए 22 करोड़ बच्चों ने. आप ही का डेटा है सर, मेरा सारा भाषण आपके रिप्लाई से मैं करती हूँ, होमवर्क करके भाषण करती हूँ. तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस. सेम थिंग विथ पुलिस डिपार्टमेंट, 62 टेलीफोन मैसेंजर पोस्ट, 93,000. और कौन कौन है? यूजी, पीजी और पीएचडी वाले बच्चे आज पुलिस डिपार्टमेंट में टेलीफोन मैसेंजर का काम करेंगे सर. तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, तो उसके बारे में आपकी सरकार यूथ के लिए इतना सारा कर रही है, तो उसके बारे में नौकरियाँ तो हो नहीं रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू डिसरप्ट आर लाइफ, जॉब्स आर गोइंग टू चेंज. ऑलरेडी अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करें सर, आपको पता होगा कि वेन पुराने ज़माने में 10 साल पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तब अनएम्प्लॉयमेंट का जब रेशो हुआ करता था, अगर आप 1,000 करोड़ अगर इन्वेस्ट करें ना सर, तो उसमें आई गिव यू द एग्जैक्ट नंबर, वेन यू इन्वेस्टेड 1 करोड़ इट लेड टू 33 जॉब्स इन 1994 विच फेल फर्दर. तो 1 करोड़ को 1994 में 33 जॉब्स हुआ करते थे, इन 2015 8 जॉब्स ही है, बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज चेंज आवर लाइफ. सो व्हाट इज दिस गवर्नमेंट्स प्लान फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इफ यू आर सच अ यूथ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट? महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा, भावना जी भी बोली महिलाओं के लिए बहुत करना चाहिए, अच्छी सुझाव दी. आई जस्ट हैव 2 small questions अबाउट दिस टू आस्क दिस गवर्नमेंट, कि आप उज्ज्वला योजना के बारे में इतना कहते हैं तो रिफिल्स 50% से भी ज़्यादा नहीं है. सो हाउ आर यू कॉलिंग इट योर फ्लैगशिप प्रोग्राम? पीपल डोंट अफोर्ड इट. आप कई आशा और आंगनवाड़ी सेविका को मिली है सर जाके, उनका दुख आपको पता है. मेरे तो क्षेत्र में पूरी महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का आंदोलन चल रहा है. वो पगार बढ़ाना मांग रही है सर, 4,000, 5,000, 10,000 भी उनको पैसा नहीं है. तो अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए, और उनको पेंशन भी दीजिए. इसके बारे में सोचिए अगर आप सचमुच महिलाओं को कुछ, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं. उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई तो सबको पता है सर, महंगाई के बाद खिलाफ ही जब हमारी सरकार की थी, हमारे खिलाफ बोल बोल के ये सरकार में आए. लेकिन आप घर में जाके भाभी को पूछिए क्या सस्ता हुआ है आज, किसी के भी घर में जाए सर, भैया आप भी घर जाके भाभी को पूछिए आज, कुछ सस्ता नहीं हो रहा है फूड इन. हाँ, वो अपनी बात जाना पड़ेगा यार, रेंज नहीं आता है. सुप्रिया जी, आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए. 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स. आपके पार्टी से सुनील तटकरे जी भी है. हाँ, तो मैं बैठ जाऊँ? नहीं नहीं, आप जल्दी खत्म कीजिए. आपकी ईपीएस 95 का शब्द, ये तो अरुण जी हम सबके नेता थे, भले बीजेपी में थे लेकिन मैं भी उनको नेता मानती थी. सुषमा जी और अरुण जी से हम सब ने बहुत सीखा है. लेकिन उन्होंने जब ऑपोजिशन में थे तब ईपीएस 95, इनके लिए आपने कहा था कि इनको पैसा आप दे देंगे. आज ईपीएस 95 में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं
जिनको आज पैसा नहीं मिल रहा है, 1000 रुपया से कम मिलता है। अगर उनको बच्चों को कुछ गिफ्ट देना हो, बहू को कुछ देना हो, तो उनके खिसे में आज पैसा नहीं है, लेकिन उनके हक का पैसा है। तो ये ईपीएस 95 का पैसा गया कहाँ? और गया होगा तो यू आर अकाउंटेबल। इस देश का पैसा है, इस सीनियर सिटीजन जिनके कारण हम खड़े हैं, इस देश के जो बुजुर्ग हैं उनका पैसा है, उस वो आपके पास है, लेकिन कहाँ है किसी को पता नहीं, आप दे नहीं रहे। फिर रह गया डीमोनेटाइजेशन और करप्शन। निशिकांत जी भी बहुत अच्छा बोल रहे थे उनके स्टेट का इशू। मैं उनको बताने पूछने वाली हूँ कि मैं भी तंग रह गई जब वो करप्शन और भ्रष्टाचार के बारे में। अच्छा है, भ्रष्टाचार देश मुक्त होगा तो मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। एक बार करके तो दिखाएं आप, जिस पे आरोप करेंगे उसके एक्शन लेना पड़ेगा, आप सिलेक्टिव एक्शन नहीं हो सकता। तो ये जब आप करेंगे तब मैं उनको याद दिलाना चाहती थी कि ये जो पेटीएम स्टोरी है, सर 2-3 मिनट लूँगी मैं ख़त्म कर दूँ, मैं बजट पे ही बोल रही हूँ सिर्फ। ये पेटीएम का स्टोरी है, मुझे याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब डी मोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा बड़े एड्स किसके आए थे? तो पेटीएम के आए थे। और आज पेटीएम के खिलाफ सबसे ज़्यादा कौन लड़ रहा है? तो ये सरकार लड़ी है। और ये सरकार कह रही है कि सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुआ है? तो वो पेटीएम में हुआ है। तो आपकी सरकार इतने साल कर क्या रही थी? फिर डीमोनेटाइजेशन करना गलत था कि पेटीएम गलत था या टेक्नोलॉजी गलत है? और फिर निशिकांत जी कह रहे इतना पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो इतना कैश इन सर्कुलेशन आया कैसे? अगर आप डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं तो इतना कैश आया कैसे कि जो आप पकड़ रहे हैं सिलेक्टिवली? इसका तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और करप्शन इंडेक्स में देश में कोई सुधार नहीं हो रहा है। और सर आपको डर लगेगा, हम दोनों जिस राज्य से आते, परसों मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे एक आदमी था, इनका ही एमएलए था, वो दूसरे आदमी को गोली मार रहा है, और वो भी पुलिस स्टेशन में सर, उल्लासनगर में, और कह रहा है कि पैसा मेरा लूटा लिया। अभी आप बताइए ये करप्शन नहीं है तो क्या? आप तो इंक्वायरी लगाना चाहिए आपने कि बीजेपी का विधायक एक अपने फ्रेंडली पार्टी पे गोली चलाता है, वो भी पुलिस स्टेशन में चलाता है, और आरोप करता है कि वो हो। नहीं नहीं, मैं करप्शन की बात, वो झारखंड का कह रहे थे, मैं महाराष्ट्र का कह रही हूँ। तो जैसे वहाँ हो रहा है वैसे यहाँ भी हो रहा है। तो ये करप्शन जो पैसा कहाँ से आ रही है, आरोप कैसे आ रहे हैं सर? अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त करना तो मैं भी वही चाहती हूँ ना सर। तो वो बोल दे, वो कुछ एक्शन इसी पे ले ले, फिर साथ मिलके भ्रष्टाचार इस देश से निकाल देंगे हम लोग। जब क्रिप्टो करेंसी की बात है, मुझे याद है हम सब ने, मेरे दोस्त और ये उदासी जी नहीं है, चाहे दुबे जी भी उस पर बोले थे, हम सब एक आवाज़ में क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ बोल रहे थे कि उसको आप कुछ उसके बारे में करिए। लेकिन क्रिप्टो के बारे में फिर हाँ ना हाँ ना, फिर उस पर टैक्स लगा दिया। देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी इन दिस गवर्नमेंट फॉर क्रिप्टो करेंसी, एंड द सेम प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू हैव इन एल्गोरिदम सेंसेक्स ट्रेडिंग। इट्स अ गुड थिंग विच इज हैपनिंग, बट टेक्नोलॉजी, प्लीज आई एम रीडिंग दिस आउट, इट मेक्स टेक्नोलॉजी मोर एफिशिएंट, बट इट्स अ पोटेंशियल एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग मैनिपुलेशन पॉसिबल एंड अनफेयर एडवांटेज टू लार्ज इंस्टीट्यूट्स एंड हर्ट द स्मॉलर इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। आई एम जस्ट रैपिंग अप, जस्ट वन स्मॉल पॉइंट आई विल लास्ट टू रिव, नाउ आई एम प्योरली स्पीकिंग ऑन द बजट क्वेश्चन, आई एक्सपेक्ट यू टू इंडल्ज मी बाई आंसरिंग। फिजिकल डेफिसिट 2013 में 4.5 था, आज 5.8 है। एंड आई कोट अरुण जेटली जी, ही यूज्ड टू से फिस्कल प्रूडेंस टू मी इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ कंसिडरेशंस ऑफ इंटर जेनरेशन इक्विटी। वी कैनॉट लीव बिहाइंड द लेगेसी ऑफ डेट फॉर आर फ्यूचर जेनरेशंस। वी कैनॉट गो ऑन स्पेंडिंग टूडे विच शुड बी फाइनेंस्ड बाय टैक्सेशन इन फर्दर डेट। टोटल डेट, वॉट वॉज द टोटल डेट इन 2013-2014 जब हमारी सरकार थी? 56.51 लाख करोड़। वॉट इज द डेट टूडे? 168.72 लाख करोड़। पब्लिक डेट ऑफ जी डी पी रेशियो यूपीए के टाइम में 85 था, फिर 68 आ गया, इट्स बैक टू 85। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज यूपीए की सरकार में 232% इंक्रीज हुआ था, आप में ओनली 115 हुआ है। पर टैक्स मैटर डिस्प्यूट्स, अरुण जी का ही स्टेटमेंट है कि डिस्प्यूट्स मस्ट बी रिड्यूस्ड, आज क्या है 5.61 लाख केसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ 29 लाख करोड़ ऑफ टैक्स मैटर्स आर नाउ पेंडिंग। आपने 25,000 का किया, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन इसका आप क्या करेंगे? सो दीज आर मेनी मेनी क्वेश्चंस, एंड दैट आई गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ माय स्पीच, दैट फोर इंजन्स ऑफ ग्रोथ, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स इज नॉट डूइंग वेल। उसमें तो हमारा प्याज को भी मार दिया आप, ये सरकार ने एक्सपोर्ट में। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दे टॉक अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डेवोल्यूशन ऑफ टैक्स में 15 फाइनेंस कमीशन हैज सेट 41%। आज ऑलरेडी अभी सिर्फ 30 और 35, लास्ट लिटरली हाफ अ पॉइंट, नॉट इवन वन, आस्किंग एंड द गवर्नमेंट्स आस्किंग फॉर 50%। दे आर गिविंग 30 to 35 एंड
फाइनेंस कमीशन एंड कंफर्म 41% सेस एंड चार्जेज। मैं तो 10 साल से मैं थक गई पूछ पूछ के कि ये सेस और चार्जेज जाता कहाँ है। जब पहली की सरकार थी इट वॉज 88.16%, नाउ द ग्रॉस रेवेन्यूज आर 28.08%। तो वेयर इज दिस सेस एंड सरचार्ज इज गोइंग? Some of it I know cannot come to government, but my question is your capital expenditure is ballooning every year. You are only, I'm not against infrastructure. Government is implying that's the only way to push an economy which is slow. But if you want this economy to better, it has to not only be an infrastructure, you have to make sure every vertical is included. The farmer, kisan ko hak milna chahiye, usko paisa milna hi chahiye, uski मेहनत है उसमें, महिलाओं को भी न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को भी न्याय मिलना चाहिए। और इट इज़ नॉट अ इंक्लूसिव बजट। अगेन आई रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट, इफ़ यू कीप इन पुटिंग मनी इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओनली इनटू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट्स नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। सो प्लीज लुक एट अ होलिस्टिक व्यू व्हेन यू हैव अ बजट। थैंक यू। बी मेहताब जी।